मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़े कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिसे जानकर आप शॉक हो जाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे भी बातें हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मूवी फिल्टर पर। अगर आप मिर्जापुर के पक्के वाले फैन हैं तो आपको ये फैक्ट जानकर और ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मूवी फिल्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीरीज में कालीन भैया का हवेली जो दिखाया गया है, उसका शूटिंग वाराणसी के मोती झील हवेली में हुआ है। उस हवेली को प्रोडक्शन डिजाइनर ने 10 दिन में अच्छे से तैयार किया था। हवेली के दीवारों पर बारीकी से किया गया काम को आप सीरीज में देखे ही होंगे। सीरीज में कंपाउंडर के रोल कर रहे अभिषेक बनर्जी इस सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कंपाउंडर के रोल के लिए खुद को कास्ट किया है, ना ये मजेदार। मिर्जापुर सीरीज में गजमल कॉलेज जो दिखाया गया है, एक्चुअल में इस नाम का कोई भी कॉलेज मिर्जापुर में है ही नहीं। सीरीज के अकॉर्डिंग ये कॉलेज फिक्शनल है। इसे उदय प्रताप कॉलेज जो कि वाराणसी में है, वहाँ पर गजमल कॉलेज का सेटअप किया गया और शूटिंग किया गया। गुड्डू और बबलू भैया त्रिपाठी गैंग ज्वाइन करने से पहले बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट रहते हैं। फिर कालीन भैया के ऑफर को मानकर वो कॉलेज ड्रॉप कर लेते हैं। कालीन भैया के घर में एक बड़ा सा चेयर रहता है, जिसके आसपास कुछ छोटे छोटे चेयर भी रहते हैं। सिर्फ बाहुबली ही उस बड़े से चेयर पर बैठ सकता है। आपको एक सीन याद ही होगा, जब गुड्डू बबलू पहली बार कालीन भैया से मिले थे तब कालीन भैया छोटे से चेयर पर बैठे थे, लेकिन जब कालीन भैया गुड्डू और बबलू को जॉब ऑफर कर रहे थे तब वो बड़े से चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर गुड्डू बबलू को डॉन के जैसे जॉब ऑफर करते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 कालीन भैया के फेवरेट गाड़ी था। इतना ही नहीं, उनके पास 12 सिर्फ महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 ही था। अगर आपको पबजी खेलना पसंद है तो आपको उजी गन पता ही होगा। कालीन भैया के राइट हैंड या फिर उनके साथ हमेशा रहने वाले मकबूल का ये फेवरेट गन था। इस सीरीज में शिल्पी टॉकीज, जहां पर मुन्ना और उनके दोस्त मूवी देख रहे होते हैं, एक्चुअल में वैसी कोई भी मूवी थिएटर मिर्जापुर में है ही नहीं। उस सिनेमा घर का सही नाम नबरंग सिनेमा रहता है, जो कि मिर्जापुर में नहीं मुंबई में है। सीरीज का आपको वो लास्ट वाला सीन याद ही होगा, कालीन भैया मौर्या को मार रहे होते हैं या जमीन में गाड़ दिए होते हैं। वो सीन लगभग सीरीज के एंड में ही दिखाया गया था, लेकिन आप ये बात जानकर काफी हैरान होंगे, वो सीन सबसे पहले शूट किया गया था। इस सीरीज का एक और मजेदार बात यह है कि जब सीरीज की शुरुआत होती है तब वहां पर मुन्ना एक दूल्हे को मारता है, और जब सीरीज खत्म होती है तो वहां पर भी वो एक दूल्हे को मारता है। सीरीज के स्टार्टिंग में ही दूल्हे के मरने के वजह से ही कहीं न कहीं गुड्डू और बबलू गैंगस्टर बनते हैं, और फिर कालीन भैया को अपने बेटे मुन्ना से काफी प्रॉब्लम सहना पड़ता है। वो इस सीरीज के एंड में भी दूल्हा को मार दिए हैं, तो आने वाली सीरीज में क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड का कुछ कुछ चीजें गेम ऑफ थ्रोन से लिया गया है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा है तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी, जैसे कि रेड वेडिंग मतलब शादी में दूल्हे का मरना, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉफरी बेरेथियन का मर्डर किया गया था। ठीक उसके बाद चॉपिंग ऑफ पेनिस, जो कि कालीन भैया की वाइफ ने अपने नौकर राजा के साथ वो काम करती है, ठीक उसी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में रेमजी स्नो थियोन ग्रेजवे के साथ ऐसा कांड करते हैं। उसके बाद तीसरा था बहू के साथ सेक्स, जैसा कि कालीन भैया के पिताजी कालीन भैया के वाइफ के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में टाइविन लेनिस्टर यानी टेरियन लेनिस्टर के पिताजी से के साथ करते हैं, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वेश्या रहती है। अगर आप मिर्जापुर की स्टोरी की सेंटर पॉइंट को समझें तो ये कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स से कुछ हद तक इंस्पायर्ड है, जहाँ पर मिर्जापुर को एज ए किंग्स लैंडिंग दिखाया गया है और मिर्जापुर को सभी हड़पना चाहते हैं, जैसे जौनपुर के बाहुबली या फिर गोरखपुर के बाहुबली। ठीक उसी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में भी किंग्स लैंडिंग को सभी छोटे मोटे राज के राजा हड़पना चाहते हैं। ठीक वहीं पर जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में थ्रोन का सिंहासन रहता है और उस पर जो बैठता है वो सातों राज पर राज करता है, ठीक उसी तरह मिर्जापुर में भी एक चेयर है और उस पर जो भी बैठता है वो मिर्जापुर के साथ साथ उसके आसपास वाले शहर पर भी राज करता है, जैसे कि जौनपुर और गोरखपुर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आया होगा। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आप हमारे दूसरे चैनल क्रिकेट फिल्टर को भी देख सकते हैं। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और प्लीज हमें सपोर्ट करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी हमारे चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं आपको क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी और सभी अपडेट जल्दी जल्दी दूंगा, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।